फूडी फ्रेंड्स, वेलकम टू कीप कुकिंग विद प्रिया। सर्दियों में पराठे बहुत ही अच्छे लगते हैं और आलू पराठे की तो बात ही कुछ और है। आप अक्सर अपने घर पे ये बनाते ही होंगे, पर एक बार इस रेसिपी से इसे जरूर ट्राई करिएगा। आपके आलू पराठे बिल्कुल भी फटेंगे नहीं और फूले फूले बनेंगे बिल्कुल ढाबा स्टाइल में। तो अगर आपको आज की हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आइए स्टार्ट करते हैं सबकी पसंदीदा आलू पराठा की रेसिपी। आलू के पराठे के लिए सबसे पहले हम डो लगा लेते हैं। इसके लिए यहाँ पर मैंने लिया है 2 कप गेहूं का आटा। बिल्कुल हेल्दी आलू का पराठा बनाने वाले हैं आज हम। इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच नमक और फिर इसमें डालें 2 बड़े चम्मच घी। यहाँ पे आप घी, तेल या मलाई किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने नॉर्मल टेम्परेचर का पानी लिया है और इससे हमें एक सॉफ्ट और स्मूथ सा डो लगाना है। आलू के पराठे बनाने में 2 चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। पहला, इसका डो कैसा लगा है, मतलब आपने आटा कैसा गूंदा है, और दूसरा आलू की स्टफिंग। तो यहाँ पे हम बात करते हैं आटा गूंदने की। आप जो आटा गूंदे वो बिल्कुल सॉफ्ट हो और स्मूथ हो। इसे अच्छे से नीड करें और इंश्योर करें कि ये जो आटा लगाया है वो ना ज़्यादा टाइट हो और ना ही बहुत ज़्यादा गीला हो। अब इस पर डालें 1 चम्मच घी और इसे वापस से 1 मिनट के लिए अच्छे से गूंथ लें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट आटा लगा है। अब इसे अंदर टक इन करके मैं इसे रेस्ट करने दे रही हूँ करीब 10 से 15 मिनट के लिए, जब तक हम अपनी आलू की स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। आलू की स्टफिंग बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिए हैं 5 आलू, जिन्हें मैंने बॉईल कर लिया है और फिर ग्रेट कर लिया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच अदरक, ये मैंने फाइनली चॉप कर ली है। अब इसमें डालें 2 बड़ी चम्मच हरी मिर्चें, इन्हें भी फाइनली चॉप करके डालें। फिर इसमें डालें 1/4 कप फ्रेश हरे धनिए के पत्ते। फिर इसमें डाला है मैंने 1 पिंच हींग, 1/2 छोटा चम्मच भुना जीरा पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच अमचूर पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच काला नमक और स्वाद अनुसार नमक। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें और आपकी आलू की पिट्ठी बिल्कुल तैयार है ढाबा स्टाइल। आलू की स्टफिंग बनाने के लिए कुछ बातों का ज़रूर ध्यान रखें। पहला, आलू को पहले से बॉईल कर लें और जब वो थोड़े ठंडे हो जाए उसके बाद उसे ग्रेट करें, नहीं तो आलू मॉइस्चर रिलीज कर देंगे और आपकी पिट्ठी गीली हो जाएगी। दूसरा, आलू को मैश ना करें, इसे ग्रेट करें, तो इससे ये बहुत ही इवनली ग्रेट होके कोई भी बड़े चंक्स नहीं रहेंगे और आपके पराठे बिल्कुल फूले फूले बनेंगे। तो यहाँ पे हमारे आलू की स्टफिंग बिल्कुल तैयार है और डो को भी 10 मिनट हो गए हैं रेस्ट करते हुए। तो यहाँ पे डो को एक बार वापस से हम नीट कर लेंगे। अब इस डो में से हम लेंगे 1 लेमन साइज जितना बड़ा टुकड़ा और उसके एक गोल पेड़ा बना लेंगे। अब आइए देखते हैं हमें आलू के पराठे के लिए कैसे स्टफिंग करनी होती है। यहाँ पे मैं अंगूठे की मदद से इसके सारे एजेस को पतला कर रही हूँ और सेंटर में से बिल्कुल भी टच नहीं कर रही हूँ। बस एजेस को आप पतला करें और एक कप की शेप का इसको बना लें। बीच में आप हल्का सा गड्ढा करें और इसमें डालें अपने आलू की स्टफिंग। जितनी अच्छे से आप आलू स्टफ करेंगे पराठे उतने ही स्वादिष्ट बनेंगे। तो स्टफिंग में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें और इसे अच्छे से स्टफ करें। अब जैसे हम मोमोज रोल करते हैं वैसे ही अंगूठे से अंदर की तरफ पिट्ठी को दबाते हुए अपनी उंगलियों से इसे रोल करें। यहाँ पे मैंने सारे साइड्स को गैदर कर लिया है और स्टफिंग को मैं अंगूठे से अंदर दबा रही हूँ। अब इसे रोल करते हुए अच्छे से सील कर दें। गैदर करने के बाद जो ऊपर एक्सेस आटा बचा है मैं उसे हटा नहीं रही हूँ, बल्कि गोल घुमाकर उसी के अंदर अच्छे से सील कर रही हूँ। तो बस हमारा लोआ बिल्कुल तैयार है। अब इसे रोल कर दे और गेहूं के आटे से एक बार डस्ट कर ले। अब एक क्लीन प्लेटफॉर्म पे आइए इसे बेलना स्टार्ट करते हैं। इसे गोल घुमाते हुए एक बार सील कर ले और अपने हाथों से पहले दबाएं और फिर बेलन की मदद से इसे बेलना स्टार्ट करें। बहुत ही जेंटल स्ट्रोक्स लगाएं, छोटे छोटे स्ट्रोक्स लगाते हुए आप इसे बेलें और साइड से बेलें, इसे सेंटर से ना बेलें। तब आपके आलू की पिट्ठी अच्छे से आटे में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी और यहाँ पे आप थिकनेस देख सकते हैं। तो बस हमारा आलू का पराठा बिल्कुल तैयार है। आइए इसे तवे पे सेकते हैं।
यहाँ पे मैंने तवे की हीट को लो टू मीडियम पे रखा है और हम अपने पराठे की फर्स्ट साइड को सेकेंगे। करीब एक मिनट बाद जब आपके पराठे की फर्स्ट साइड सिक जाए, जब इस पे लाइट गोल्डन ब्राउन कलर के स्पॉट्स आ जाएं, तब आप इसे टर्न कर दें और टर्न करने के बाद इसमें आप डालें एक चम्मच देसी घी। यहाँ पे आप घी, बटर या तेल किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और फिर से इसे पलट के एक टर्नर की मदद से बहुत ही जेंटली दबा के सेकें। पराठे पे एक बहुत ही अच्छा गोल्डन ब्राउन क्रिस्प कलर आना चाहिए। तो यहाँ पे मेरे पराठे के लिए फ्लेम मीडियम पर है और मैं इसे दबा के सेक रही हूँ। आप देख सकते हैं कि पराठे बहुत ही अच्छे से फूल रहे हैं क्योंकि इसमें आलू बिल्कुल अच्छे से डिस्ट्रीब्यूटेड है। वाओ, आप इस पराठे का टेक्सचर और कलर देखिए, कितना क्रिस्प और कितना अच्छा ब्राइट गोल्डन ब्राउन कलर आया है। तो इसे टर्न करते हुए दोनों तरफ से क्रिस्पी और डार्क गोल्डन ब्राउन होने तक सेकें। तो बस हमारे करारे, खस्ता और फूले फूले पराठे बिल्कुल तैयार हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल कलर आया है इन पे। गैस को कर दें बंद और इन्हें करें गर्मा गर्म सर्व अपने चॉइस ऑफ अकम्पेनमेंट के साथ, रायता, चटनी या सिर्फ मक्खन के साथ। बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। मैं आपको इसकी परत खोल के दिखाती हूँ, कितने अच्छे से ये पराठे फूले हैं कि इसकी दोनों परतें बिल्कुल आराम से अलग हो रही हैं। तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी आलू पराठे बनाएं, एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अपना फीडबैक हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।